दोस्तों, देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। महेंद्रगढ़ जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा का गृह क्षेत्र है, जहां पर शहर में दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के युग में यहां लड़कियों के पढ़ने के लिए अलग से कोई भी स्कूल नहीं था। यहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम तो केवल राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन इसमें लड़के व लड़कियां दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां इस विद्यालय में शिक्षा लेने से परहेज व गुरेज कर रही थी। पहले यहाँ लड़का और लड़की दोनों इसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब जल्दी ही लड़कियों के स्कूल अलग से खोलना चाह रहे हैं, और अब अलग से खुल रहा है ये क्वेश्चन, ये जल्दी ही खुलेगा और ये पहले भी जल्दी खुलना चाहिए। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो सही, यहाँ पर दोनों ही लड़के और लड़कियाँ पढ़ती है, और पिछले साल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि लड़कियों का स्कूल अलग से होना चाहिए, और हम ये मांग करते हैं कि लड़कियों का स्कूल जल्द से जल्द खुले। हमारे स्कूल में लड़के एंड लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, जिससे और अभी लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल अलग बनना चाहिए, जिससे और मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि सभी लड़कों और लड़कियों का स्कूल अलग से होना चाहिए, और जिससे लड़कियों मतलब जिससे पढ़ाई अच्छे से हो सके और हम सुरक्षित रह सकें। हम ये मांग करते हैं कि हमारा स्कूल अलग से खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, जिससे शिक्षा पैदा होती है। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल अलग से खुले, ये जल्दी पूरा होना चाहिए, ताकि हमारी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चलती रहे और हम सुरक्षित भी रहें घर से। लड़कियों की इसी मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 21 जुलाई को धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लड़कियों के लिए स्कूल की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग को मानते हुए इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करने की घोषणा की। उनकी इस मंजूरी के बाद से शिक्षा विभाग ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेज दिया है। ये गर्ल्स स्कूल खोल दिया, लड़कियों की सुविधा के लिए खोल दिया, सेपरेट गर्ल्स स्कूल है जो इस महेंद्रगढ़ शहर में नहीं था, जो अभिभावकों की डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, और आज के समाज के माहौल को, आप तो पत्रकार हैं, रोजाना अपने पत्रों में छाप रहे हैं समाचार पत्रों में, उसको देखते हुए ये अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सेपरेट विद्यालय दिया है। और इसमें केवल ये विद्यालय नहीं, इसमें हम स्किल सेंटर भी इसमें लड़कियों के लिए अलग से रखेंगे, जो अपने आप में एडवित है। महेंद्रगढ़ से एएनटी नेशनल के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।